नमस्कार। जैसा कि मैं एक बहुत ही रिमोट और बहुत ही दूरदराज में पोस्टेड हूँ, और जब कभी भी मैं यहाँ के आसपास के लोगों से मिलता हूँ, मुझे मिलने को मौका मिलता है, जब इन लोग जो यहाँ के कुछ लोगों के ज़रूरतमंद लोग जो जैसे ही मुझे मिलते हैं और उन अपना दुख जब बांटते हैं, तो मुझे मेरे दिल को आघात पहुंचती है। एक इंसान होने के नाते और जब तक मैं इस दूरदराज में हूं और यहाँ के रिमोट लोकेशन में हूं, और मैंने प्रण लिया है कि मैं ज़रूरतमंद लोग जिनको आप जैसे भले लोगों की सहयोग की दरकार है, उनका दुखौड़ा, उनके परेशानियाँ मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के तक, आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया वीडियो को देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर दें, ताकि वीडियो में जो भी कमियां हैं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, बेबस लोग और सहयोग की दरकार, बेबस लोग सहयोग की दरकार के अभियान के तहत आज मैं पुनः एक ऐसे शख्स के पास जा रहा हूं जो दूर दराज में भी, बहुत ही दूर दराज यानी कि रिमोट से भी रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं, और उनके घर तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, और पीने का पानी लाने के लिए उनको आधा घंटा तक पैदल चल के उनकी फैमिली को वहां से पीने का पानी लाना पड़ता है। साथ ही जो रोड तक, जहाँ यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस तक पहुंचने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है, मैं जब तक यहाँ रहूँगा, यहाँ के दूर दराज के लोग जो असली में स्वयं के हकदार हैं, जो बेबस हैं और जिनके पास कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है, और शारीरिक रूप से भी काफ़ी दुर्बल है और उन चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोग, बेबस लोग और सहयोग की दरकार, एक अभियान मैंने अपने तरफ से शुरू किया है। ऐसी अभियान यानी कि ज़रूरतमंद लोग, बेबस लोग और सहयोग की दरकार के तहत मैं आज एक दूर दराज के गांव जा रहा हूं। यहां पे एक ऐसा शख्स से आपके मुलाकात कराऊंगा जो पहले से ही काफ़ी गरीब थे और एक मजदूर के रूप में काम करते थे, और भगवान की मर्जी के हैं या उनकी बदकिस्मती, आज से 10 साल पहले उनको पैरालिसिस हो गया और उनका शरीर का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह काम करना बंद कर दिया, जबकि उनके पीछे उनकी वाइफ है, उनके लड़कियां हैं, लड़के हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ रहे हैं, और आज हालात ऐसे हैं कि जबकि घर का मुखिया को अगर इस टाइप का पैरालिसिस हो जाए, शारीरिक रूप से वो असमर्थ हो काम करने के लिए, तो उनको खाने के भी लाले पड़ गए हैं, और जिसका रिजल्ट आज ये है कि पूरा परिवार जो दर बदर को ठोकर खाने को मजबूर है, और उनको कोई, जैसा कि उनका कोई कमाई का दूसरा जरिया नहीं है, उनका परिवार पहले ही आर्थिक मंदियाँ झेल रहा है, और वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों को भी सुबह शाम का दो वक्त का रोटी खाने को भी काफ़ी लाले पड़ रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को माध्यम के द्वारा आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अगर साथ ही इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया दिल खोलकर अपने हाथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करें, जो भी हो सकता है आपके द्वारा आप कीजिए, ताकि इनको ये अपना इलाज कर पाएँ, साथ ही अपने परिवार का गुजर बसर कर पाए। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दूर दराज में दो तीन
मकाने देख रहे हैं और इनके घर तक पहुंचने के लिए मूल रोड से मुख्य सड़क से 40 मिनट तक पैदल चल के जाना पड़ता है। और इनका घर है, मैं अभी उनके घर में जाऊंगा और उनसे मैं सवालात करूंगा, उनके हालात कैसे हुए, कहां से थे, कितने साल के हैं और अभी उनको मेन प्रॉब्लम क्या है और क्या चाहते हैं। उनको सहयोग बड़े बड़े नेता लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से और आप जैसे जो है एक सहयोगी लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये सारे सवालात उनसे करूंगा और मैं जो आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। फ्रेंड, बेबस लोग और सहयोग की दरकार जो मैंने एक अभियान चलाया है, इसके तहत जैसा कि मैं आज एक विशेष ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं जो शारीरिक रूप से बेबस है और उनको पैरालिसिस के कारण चल फिर नहीं पाते हैं, उनको असली में सहयोग की दरकार है। तो इसी तहत मैं मुख्य सड़क मार्ग से अभी पैदल चल रहा हूं, उनके घर के तरफ जा रहा हूं और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्य सड़क से उनके घर तक पहुंचने के लिए 40 मिनट से एक घंटा का समय लगता है। आप देख पा रहे हैं ये जंगल के बीच में, दोनों ओर जंगल है, जंगल के बीच में छोटा सा एक नैरो रोड है, इसी रोड के द्वारा उनके घर तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसे ही दूर दराज रिमोट लोकेशंस में जो घर इसी तरह लोग जंगल के किनारे और नदी के किनारे में निवास किया करते हैं। तो मैं जा रहा हूं और उनसे वही सारे बातचीत में अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों के समक्ष रखूंगा।